सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और हम लोग नहा धो चुके हैं, पूजा हमारी हो चुकी है, बस नाश्ता बाकी है। सो अभी करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में पता नहीं क्या बनने वाला है। और दीदी ये देखो, हिटलर को ट्रेनिंग दे दी थी स्पीक की, बट कहा था ना मैंने, ये थोड़ा अनपढ़ बच्चा है, अभी तक सीख नहीं पाया ये। और ये रहा, नहाने के बाद धूप सेकने का मजा ही कुछ। जलेस वाला कुत्ता पीटू, इसको जो सारी जलेस है उसको पार मत करो, मत करो, मैं हूं तो सही। बहुत बोलता, आपके भी बच्चा ऐसा ही करता है। अगर कोई कि हाँ किसी और से प्यार मत करो, मुझसे करो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये रही मम्मी। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जाती हूँ, देखती हूँ दीदी नाश्ते में क्या बना रही है। भैया ये सो रहे हैं, मस्त पंखा चला के, पता नहीं क्यों इनको ठंडी नहीं लगती। और आज क्या बनने वाला है? आटे की पूरी। सो आटे की पूरी बनने वाली है। सो आज मैंने खुद ये निर्णय लिया है कि मैं खुद हेल्प कराऊंगी, और ये थोड़ी सी बाकी बनाएगी तो दीदी ही थोड़ी सी हेल्प करा दूंगी। मैं कुछ नहीं कराएगी, सिर्फ चक बेल देगी, बस बोलेगी बाकी फ्राई मैं करूँगी, चाय मैं बनाऊँगी, और कुछ नहीं। अगर आप बोलो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खाना बनाने का चैलेंज रख सकते हैं। आपको अगर देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नहीं मैं इसको मैं इसको चैलेंज दूंगी कि ये किस दिन मुझे रोटी उतार चपाती बना के खिलाए। मेरे को आती नहीं, मैंने कभी बनाई नहीं। तो जैसे बनाएगी देखेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं इसको बोलूँगी। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज चुके हैं 3, और हमने नाश्ता कब का कर लिया। हम 2-3 घंटे तो मतलब फैमिली टाइम मतलब बातें कर रहे थे। मैं वो चीज़ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी तो टाइम होता है कि पूरी फैमिली बैठ के बातें करे। सो मैं शूट नहीं कर पाई, तो अभी मेरे को करनी है एडिटिंग, क्योंकि बीच में चली गई थी लाइट। सो अभी एडिटिंग करनी है। शाम को मम्मी को किराना लेना भी जाना है, क्योंकि जो हमारे राशन वालों की दुकान है ना, वो थोड़ी रिनोवेट करवा रहे हैं। सो आज ही लेके आनी पड़ेगी, 10-12 दिन के लिए बंद है। तो अभी मम्मी को शाम को वहाँ जाना है, मेरे को अभी थोड़ा अपना काम भी करना है। तो अभी मैं एडिटिंग कर लूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा एडिटिंग का काम होता है कि एडिटिंग हो जाए ना, फिर रात तक शांति रहती है। तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो मैं दीदी के साथ पूरी बनाने में हेल्प नहीं करा पाई, क्योंकि मुझसे अच्छे से बन नहीं रही थी, बार बार टूट रही थी। तो दीदी ने कहा इससे अच्छा तो बाहर ही चली जा। सो उसकी वजह से दीदी थोड़ा गुस्सा भी हो गई। सो अभी मैं दीदी से आपकी बात करवाती हूँ, वो खुद ही आके मोबाइल ले लेगी अभी, तो वो करेगी आगे की ब्लॉग शूट। मैं कर लेती हूँ अभी एडिट। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए हमें, सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो देखिए एंड तक, फिर हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो कमेंट भी कीजिए। सो तो मैं अभी अपना काम डन कर खिचड़ी बनाकर, वैसे हम तो चला ही लेते, हमारे पास तो रात काले चने की सब्जी पड़ी थी, हम तो उससे चला लेते। भैया बोल रहे थे मुझे कुछ लाइट वेट कुछ खाना है, तो मैंने भैया को बोलो ठीक है मैं खिचड़ी बना देती हूँ। मैंने भैया के लिए मटर वाली खिचड़ी बनाई है, और यहाँ पर मैं आई हूँ तो ये लोग कर रहे हैं एडिटिंग। देखो तो यहाँ पर हलीन कर रही है एडिटिंग। कितना टाइम लगेगा तुझे? और यहाँ पर हिटलर सो रहा है। सो तो यहाँ पर पीटर रो रहा है कि मुझे नीचे उतारो, इससे ऊपर चढ़ता नहीं पर ऊपर चढ़ता है ये, और फिर ये भी रो रो के बता रहा है मुझे नीचे उतारो। हाँ नीचे उतरना है। हाँ पीटू, इसको छींचू आएगा तो इसके लिए बोल रहा है मुझे नीचे उतारो, मैं छींचू तो इसको मैं नीचे उतार देती हूँ। इसको नीचे अच्छा लग रहा है, ऊपर गर्मी लग रही है, तो इसके लिए बोल रहा था नीचे जाना है। तो अभी ये नीचे सोएगा मुझे लग रहा है, और हम चलते हैं अभी किचन में। मेरी यहाँ पर खिचड़ी की तैयारी हो रही है, मैंने एक तरफ खिचड़ी उबलने को रख दी और दूसरी तरफ तड़का लगाने की तैयारी है मेरी। सो 5:30 हो चुके थे शाम के, मम्मी और दीदी चले गए थे किराना लेने, जैसे कि मैंने आपको दोपहर को बताया। और ये देखो चादर की क्या हालत करते थे ये लोग, पीटर हिटलर ऊपर चढ़ते हैं ना तो ये खेलने लग जाते हैं, तो हमें दिन में 10 बार तो चादर बिछानी पड़ती है, क्योंकि जिनके पास डॉग्स होंगे उनको पता होगा कि क्या करते हैं ये। और देखो खिड़की में वैसे ही सॉक्स पड़ी हैं, सुबह से भैया पहनते हैं तो वही रख देते हैं, तो वो सॉक्स नीचे भी गिर गई, तो मैंने अभी सेट करके रख दी कि हाँ यहीं से ले तो फिर पहन लो। और खिड़की वगैरह सेट कर दी, अच्छा लगता है, सब नीट एंड क्लीन लगता है घर। और नीचे एक कंबल पड़ा था इनका, वो भी मैंने टेबल के नीचे रख दिया। और अभी मैं जस्ट आई हूँ मुँह धो के, और मैंने कहा फटाफट चोटी वोटी कर लूँ, जब दोपहर में उठी थी तो तब से मैंने कुछ किया नहीं। और यहाँ पे मेरे पास हिटलर आ गया, बोला कि मेरे को खिलाओ। मैंने कहा दीदी और मम्मी आ जाए फिर हम लोग खेलेंगे।
सो फ्रेंड फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, सिर्फ मशीन वाले कपड़े अभी ऊपर डाल के आने हैं, सो मम्मी के आने के बाद डाल के आऊँगी। और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, कब 7 बज जाते हैं, कब 8 बज जाते हैं, कब रात के 11 बज जाते हैं पता नहीं लगता, क्योंकि सर्दी है ना तो टाइम ऐसे फास्ट 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 जाता है और टाइम का पता ही नहीं लगता है। कि शाम की ड्यूटी मेरी है तो मुझे मतलब जिन जो जो करते हैं काम उनको पता होगा कि टाइम लगता ही नहीं है घर के काम में, कभी बर्तन धो लो, कभी झाड़ू लगा लो, कभी कुछ 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 घर के काम कभी ना कभी निकलते ही रहते हैं। सो अभी तो हमारी डीप क्लीनिंग भी नहीं की है हमने, वो भी मैं अभी कल परसों स्टार्ट करूँगी क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, सो एक बार फिर से कर लेनी चाहिए, लास्ट तो हमने दिवाली में की थी। सो अभी मैं 2-3 दिन में करूँगी न्यू ईयर की मतलब एक बार और सफाई, तो फिर साफ़ हो जाए एकदम मस्त घर हो जाएगा, फिर एक महीने बाद तो डेली तो टाइम मिलता नहीं है। सो अभी मैं करूँगी साफ़ सफाई भी और मम्मी आ जाए फिर देखते हैं क्या 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 लेके आते हैं वो सामान राशन में। सो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि घर के काम कभी नहीं ख़त्म होते, सो मुझे अभी ये याद आया कि ये बॉटल भी भरनी है और पानी से, सो अभी मैं वो भर लेती हूँ, नहीं तो दीदी क्या और डांटेगी कि तूने किया क्या। सो फ्रेंड्स ये देखिए राशन आ चुका है, ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन का है, थोड़ा थोड़ा भाई जितना हुआ। ज़्यादा है पर तेरे बिस्किट ही है सर। बिस्किट कहने पर देखो मैं 6 पैकेट बिस्किट का लेकर आई, मैं इतना खाने वाली हूँ नहीं, कितने दिन से तो मैंने टाइम से खाए नहीं है। तो कहाँ जाते हैं, इतना खा जाते हैं क्या? नहीं मैंने नहीं खाए, इतने दिन से तो नहीं खाए हैं, ये पूरा एक एक दिन छोड़ छोड़ के खा लेंगे, पूरे 6 दिन में तो कंप्लीट ही है बिस्किट के पैकेट, देखेंगे। चल फिर भी इस लड़के को शुगर नहीं होती, क्या पता इसका क्या राज है। शाम के 7 बजे हम सब पी रहे हैं चाय और मम्मी दीदी आए थे तो मम्मी ने बोला चल चाय बना ले, मौसम ऐसा है कभी ठंडी कभी गर्मी, तो ऐसे ठंडी गर्मी में पी लेनी चाहिए चाय, अच्छी ठंडी नहीं लगती है। तो हम लोग पी रहे थे अदरक वाली चाय और बातें कर रहे थे कि हाँ कितने का सामान आया कैसे कुछ और मतलब वगैरह। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर खाना वाना डन हो चुका था, तो आज पता नहीं दीदी ने बोला चल अभी लेट तो हुए हैं डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम जब भी फ्रेश अपनी फ्रिज हमारी डीप फ्रॉश करते हैं ना उसमें से पानी बहुत निकलता है, तो नीचे पानी तो था ही मतलब थोड़ी गंदगी तो थी, तो दीदी ने ऊपर से भी क्लीनिंग कर दी मतलब अच्छे से साफ़ कर दिया। और हमारे घर में ना ठंडा पानी अगर कोई सबसे ज़्यादा पीता है तो वो मम्मी है, कितना मना करने के बाद मम्मी नहीं हटती, पर तो एक बॉटल तो हम फ्रिज में रख ही देते हैं ठंडा पानी की कि किसी को भी बाहर आने के बाद अगर गर्मी लगे तो ठंडा पानी पी ले, तो यहाँ पे हम पानी भर रही। सो फ्रेंड्स हमारा सारा काम हो चुका है, हमने बर्तन वगैरह सब कुछ कर लिया है, डीप क्लीनिंग की आज तो, सो बच चुके हैं रात के, तो सो आज भी हम लोग लेट हो चुके हैं, चलता रहता इसने है। इसने मेरे साथ हेल्प कराई क्योंकि इसने सुबह पूरियाँ के बीच में मेरी हेल्प नहीं कराई थी, तो मैंने बोला ठीक है अभी हेल्प करा दे तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, होप करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा ये छोटा सा व्लॉग, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा लाइक करेंगे, थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे, हमें कमेंट करेंगे तो हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, बाकी आप लोगों के हाथ में सब कुछ है, आपकी मर्ज़ी, आप सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।